भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए चौथे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 21 रनों से हरा दिया है। इस मैच में टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को ओपनर आरुन फिंच और डेविड वार्नर ने शानदार शुरुआत दिलाई। आरुन फिंच ने 96 गेंदों पर 94 रन बनाए और वहीं डेविड वार्नर ने 119 गेंदों पर 124 रनों की शानदार पारी खेली। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 334 रन बनाए और टीम इंडिया को जीत के लिए 335 रनों का लक्ष्य दिया। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया के ओपनर अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा ने भारत को मनचाही शुरुआत दिलाई। इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 106 रनों की पार्टनरशिप की। मैच का टर्निंग पॉइंट रहा जब रोहित शर्मा विराट कोहली की गलत कॉल से रन आउट हो गए। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद हार्दिक पांडे और केदार यादव ने एक साझेदारी की, लेकिन ये साझेदारी भारत को जीत ना दिला सकी और भारत 50 ओवर में 8 विकेट खोकर मात्र 313 रन ही बना सका। इस खबर में फिलहाल इतना ही। क्रिकेट के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।